सब्सक्राइब कीजिए विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम, प्रेस बेल बटन टू एंजॉय वीडियोज ऑन इंग्लिश लेसन्स एंड ग्रामर टॉपिक्स। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई वेलकम यू ऑल इन माई न्यू क्लासरूम। और मैं कहना चाहूँगा, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल, सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज मैं आता रहता हूँ एवरी वीक इस तरह के वीडियोस आपके लिए लेकर, है ना? तो सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन। आई एम हियर विद द लेसन योर फिक्शन टू CBSE क्लास 10। दिस वीडियो इज़ फॉर यू। वी आर स्टडिंग मिसिज पैकलटाइज टाइगर फिक्शन टू बाई साकी। ऑन दिस लेसन आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड वन वीडियो, यू मस्ट गो फॉर दैट वीडियो फर्स्ट, इन विच आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द टाइटल ऑफ दिस लेसन, अबाउट द राइटर ऑफ दिस लेसन, अबाउट द कैरेक्टर्स इन दिस लेसन एंड द पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ दीज थ्री लेडीज एंड वाई साकी जो है या अदर राइटर यूज्ड सुडोनिम्स, यानी कि पेन नेम के पीछे क्या कहानी है, मैंने ये भी डिस्कस किया है, है ना, कि वाई जो है राइटर या वीमेन जो है उन्होंने सुडोनिम क्यों लिया ऑफ मेल राइटर का, क्या बात थी। एंड ऑल्सो दिस स्टोरी इज़ ऑल अबाउट टाइगर हंटिंग, है ना। आई हैव डिस्कस्ड वाई पीपल हंट, विच इज़ क्वेश्चन वन। एंड इन दिस वीडियो आई एम हियर विद लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। सो इफ़ यू हैव गॉन through that part one of this lesson, then it will be easier for you to understand it line to line explanation. इससे पहले भी मैंने आपका fiction one जो था two gentlemen of Verona, उस पर भी मैंने line to line explanation किया है, exercise भी किया है, और title, writer ये सब भी video मैंने अलग अलग डाले हैं, ये भी ज़रूर देख लें। चलिए हम शुरू करते हैं Mrs. Packletide Tiger line to line explanation. You can open your book now or you can see at the screen also, जो मैंने आपके लिए अरेंज किया है, ठीक है। सो नंबर वन इज, इट वॉज मिसिज पैकलटाइज प्लेजर एंड इंटेंशन दैट शी शुड शूट ए टाइगर। वो चाहती थी, उसको अच्छा लगता था कि मैं जो हूँ एक टाइगर को शूट करूँ। क्यों? ये रीज़न दे रहा है, नॉट दैट द लस्ट टू किल had suddenly on descended on her। ऐसा नहीं था कि अचानक ही उसको ये विचार आया, है ना। लस्ट, लस्ट क्या होता है? वेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। आर यू लस्टी? यस, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर सक्सेस, है ना, टू पास दिस 10th क्लास विद 90+ मार्क्स, लस्ट हैं आपको। वेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर समथिंग इज लस्ट। योर लस्ट क्या क्या है मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में जाइए, है ना। व्हाट आर द थिंग्स यू लस्ट फॉर, है ना। तो ऐसा नहीं है डिसेंडेड, डिसेंडेड होता है कि केम डाउन, कि आई उसको, और या ये भी नहीं था, और दैट शी फेल्ट दैट शी वुड लीव इंडिया सेफर एंड मोर होलसम देन शी हैड फाउंड इट। और ऐसा भी नहीं था उसे कि जैसा इंडिया उसे मिला था, अनसेफ इनहेबिटेंट्स जो थे वहाँ के, टाइगर पॉपुलेशन से बड़े जो थे डेंजर में थे, तो उसे नहीं लगता था कि मैं एक बीस्ट को मार दूं और उनको और सेफर महसूस कराऊं। इनहेबिटेंट्स होते ड्वेलर्स, जो वहाँ के निवासी हैं। तो द कंपेलिंग मोटिव क्या था उसका? तो ये दो रीज़न नहीं थे कि अचानक ही उसको विचार आया अभी टाइगर हंट करना चाहिए, और ना ही वो जो इनहेबिटेंट्स को जो है सुरक्षित महसूस कराना चाहती थी इंडिया को, कि मैं अगर एक वाइल्ड बीस्ट को मारूंगी तो पर मिलियन जो हैं टाइगर जो है फ्रैक्शन से जो है कम हो जाएगा, ये नहीं था। कंपेलिंग मोटिव फॉर हर सडन डेविएशन टुवर्ड्स द फुटस्टेप्स ऑफ निमरॉड वॉज द फैक्ट दैट लूना बिम्बर्टन हैड रिसेंटली बीन कैरिड 11 माइल्स इन एन एरोप्लेन बाई एन अल्जीरियन एविएटर। कारण क्या था उसका? द कंपेलिंग मोटिव फॉर हर सडन डेविएशन, है ना, एक्ट ऑफ डू द एक्ट ऑफ मूविंग अवे इज डेविएशन, कि वो क्यों नहीं हो रहा था कुछ भी उसको, और अचानक उसने सोचा कि मैं ये डेविएट क्यों हुई, टुवार्ड्स द फुटस्टेप ऑफ निमरॉड, कि मैं भी शिकारी बनूं निमरॉड की तरह। माइटी हंटर वो जो था, एक बिब्लिकल कैरेक्टर है वो, है ना, तो मैं उसके फुटस्टेप पे चलूं, मैं भी शिकार करूं। तो उसका कारण था लूना बिम्बर्टन,
ठीक है, तो दो करेक्टर यहाँ इंट्रोड्यूस हो गए हैं, मिसिज पैकलटाइड इज देयर हु इज जेलस ऑफ हर नेबर लूना बिम्बरटन, है ना, दीज टू रिच लेडीज, है ना, जेलस ऑफ ईच अदर, तो क्योंकि लूना बिम्बरटन ने हैड रिसेंटली बीन कैरीड 11 माइल्स इन एन एरोप्लेन बाय एन अल्जीरियन एविएटर, एविएटर क्या होता है, पायलट, अल्जीरियन पायलट के साथ वो एक एरोप्लेन में, ये आप देख सकते हैं, 11 माइल्स गई थी एंड टॉक्ड ऑफ नथिंग एल्स, और वो कोई और बात करती नहीं थी, शी बॉस्टेड ऑल द टाइम ऑफ दैट, है ना, ट्रैवल, ठीक है, तो वो उसको जेलस होता था, है ना, अब उसे लगता था कि मुझे कुछ करना पड़ेगा, है ना, तो उसने इसलिए सोचा एंड टॉक्ड ऑफ नथिंग एल्स, तो उसने क्या सोचा मिसिस पैकलटाइड ने, ओनली ए पर्सनली प्रोक्योर टाइगर स्किन, कि अगर मैं अपने ही शिकार किया हुआ टाइगर की स्किन दिखाऊं सबको एंड ए हैवी हार्वेस्ट ऑफ प्रेस फोटोग्राफ्स, और फिर मेरी सब फोटो लेने आए, कुड सक्सेसफुली काउंटर, अब देखिए जो मोटिव था उसको काउंटर करना था, आउटडू करना था, वो उसको एक राइवल की तरह ले रही है, जेलस है वो उसकी, है ना, टू काउंटर दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, उसको आउटडू करने के लिए ये जरूरी था. मिसिज पैकलटाइड हैड ऑलरेडी अरेंज्ड इन हर माइंड द लंच, और उसने क्या योजना बना ली थी कि मैं टाइगर हंट भी करूंगी और फिर टाइगर हंट करके एक लंच रखूंगी, शी वुड गिव एट हर हाउस इन कर्जन स्ट्रीट, कर्जन स्ट्रीट में अपने घर पर वो एक लंच पार्टी देगी ऑस्टेंसिवली अपेरेंटली इन लूना बिम्बरटन्स ऑनर, और बात क्या कहेगी कि लूना बिम्बरटन के ऑनर में मैं ये दे रही हूँ विद ए टाइगर स्किन रग, और जो पार्टी में होगा उसमें टाइगर स्किन रग होता है कारपेट, जो कारपेट होगा वो टाइगर स्किन का ही जो फर्श पर बिछा होगा, ऑक्यूपाइंग मोस्ट ऑफ द फोरग्राउंड, कुछ ऐसा आप देख सकते हैं, एंड ऑल ऑफ द कन्वर्सेशन, और सारी बातचीत होगी मेरे इस ओकेजन पर, मेरी इस सक्सेस पर होगी दैट आई हैव, है ना, हंटेड ए टाइगर और उसकी स्किन, मेरा एक्सपीरियंस, मेरे फोटोज, है ना, तो ये दस आई विल बी एबल टू आउटडू लूना बिम्बरटन, तो शी हैड ऑल्सो ऑलरेडी डिजाइंड इन हर माइंड द टाइगर क्लब रूज, और मैं क्या करूँगी, ये आप देख सकते हैं, इस तरह का एक ब्रॉच पीस ऑफ ज्वेलरी विद ए पिन जो हम यहाँ लगाते हैं कोट पर भी अपनी ड्रेस पर, दैट शी वॉज गोइंग टू गिव लूना बिम्बरटन ऑन हर नेक्स्ट बर्थडे, कि मैं जो हूँ लूना बिम्बरटन के नेक्स्ट बर्थडे पर उन्हें एक टाइगर क्लॉ ब्रॉच जो है देने वाली हूँ. इन ए वर्ल्ड दैट इज सपोज टू बी चीफली स्वेड बाई हंगर एंड बाई लव, मिसिज पैकलटाइड वॉज एन एक्सेप्शन. आज देखिए आप क्या होता है, ये जो संसार है जो चलता है स्वेड बाई हंगर, है ना, कि भूखा है कोई वो अपने लिए दौड़ रहा है, या प्यार के लिए लव हमें चाहिए, हंगर को दूर करना है, सारे वर्ल्ड को इसी की वो है, लेकिन यहाँ पर जो है एक रिच लेडी, हिपोक्रेटिक लेडी जो है मिसिज पैकलटाइड, वो एक एक्सेप्शन है. उसका क्या है, हर मूवमेंट्स एंड मोटिव्स वर लार्जली गवर्न्ड बाई डिसलाइक ऑफ लूना बिम्बरटन. उसका लोन जो ऑब्जेक्टिव है लाइफ का वो है आउटडू करना लूना बिम्बरटन को. उसकी सारी मूवमेंट्स मोटिव जो हैं गवर्न होते हैं डिसलाइक ऑफ लूना बिम्बरटन से. सारे दिन उसकी नज़र उसी पे रहती है कि वो क्या कर रही है. ठीक है, तो ये नंबर वन है. नंबर टू में चलते हैं. सर्कमस्टेंसेस प्रूव्ड प्रपीशियस. प्रपीशियस होता है फेवरेबल. तो जैसे ही वो चाह रही थी, चाहे वो डिसलाइक ही था, जेलस ही था लूना बिम्बरटन के प्रति, लेकिन सर्कमस्टेंसेस प्रूव्ड प्रपीशियस. ये जब हम किसी को दिल से चाहते हैं तो सारी कायनात भी हमें उसे मिलाने के लिए लग जाती है. शाहरुख खान का एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है, फेवरेबल थी सर्कमस्टांसिस भी, जैसा उसने सोचा था. मिसिज पैकलटाइड हैड ऑफर्ड 1,000 रुपीज़. 1,000 रुपये उसने किसी को ऑफर किए, किसको, अभी देखिए, फॉर द अपॉर्चुनिटी ऑफ शूटिंग ए टाइगर विदाउट ओवर मच रिस्क और एग्जर्शन. भाई ज़्यादा दिक्कत नहीं चाहिए, ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े, टाइगर का प्रबंध कर दो, ये लो 1,000 रुपये दूंगी तुम्हें, है ना. एंड इट सो हैपन्ड, और ऐसा हुआ क्या, दैट अ नेबरिंग विलेज कुड बोस्ट ऑफ,
नेबरिंग विलेज ने कहा हाँ हाँ है हम कर देंगे ऑफ बीइंग द फेवर्ड रेंडेवू ऑफ एन एनिमल ऑफ रिस्पेक्टेबल एंटेसिडेंट कि हाँ हम प्रबंध कर देंगे बढ़िया एक जानवर का आपके लिए विच हैड बीन ड्रीवन बाय द इंक्रीजिंग इन्फर्मिटीज इन्फर्मिटीज क्या होता है अभी आप देख फर्म इनफर्म इन्फर्मिटीज तो यहाँ पर मेन जो वर्ड है फर्म है उसके आगे प्रीफिक्स लगा है इनफर्म तो ये अपोजिट हो गया इन्फर्मिटीज वीकनेसेस है ना तो जो वो उन्होंने प्रबंध भी किया वो क्या था इनफर्म था ऑफ एज टू अबैंडन गेम किलिंग एंड कन्फाइन इट्स एपेटाइड टू द स्मॉलर डोमेस्टिक एनिमल्स एपेटाइड होता है हंगर कि वो बीमार था बूढ़ा था और उसने जो है टाइगर हंटिंग जो किलिंग अनदर एनिमल्स जो है वो छोड़ दी थी एंड अपने आप को कन्फाइन कर लिया था अपनी भूख को टू द स्मॉलर डोमेस्टिक एनिमल्स है ना बकरियां गोट ही जो है उसका शिकार होती थी द प्रोस्पेक्ट ऑफ अर्निंग द 1000 रुपी हैड स्टिमुलेटेड स्टिमुलेट करना होता है इंक्रीज कर दिया क्या द स्पोर्टिंग एंड कमर्शियल इंस्टिंक्ट ऑफ द विलेजर्स वो अच्छे से व्यापारी की तरह बात करने लगे है ना स्पोर्टमैनशिप आ गई उनके अंदर 1000 का जो ये लस्ट था लूना मिसिस पैकलटाई को लस्ट था उसको ऑबडू करे विलेजर्स को लस्ट है कि 1000 मिल जाए हमें चिल्ड्रन वर पोस्टेड अब देखिए क्या क्या अरेंज किया ये क्वेश्चन भी आता है नंबर वन चिल्ड्रन वर पोस्टेड नाइट एंड डे ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द लोकल जंगल है ना जंगल की पेरिफेरी में उन्होंने आउटस्कर्ट्स में बच्चों को छोड़ा डे एंड नाइट रात दिन का पहरा दो टू हेड द टाइगर बैक कि अगर ये जो हमारा टाइगर है जाने लगे अपनी लिमिट से बाहर तो उसको वापस धकेलो इन द अनलाइकली इवेंट ऑफ हिज अटेम्प्टिंग टू रोम अवे टू फ्रेश हंटिंग ग्राउंड्स मिसिस पैकलटाइड जो हमें 1000 देंगी तो कहीं ये टाइगर कहीं चला ना जाए ये इनफर्म ओल्ड टाइगर है ना तो उसके लिए ये बेस्ट है और बच्चे लगा दिए उन्होंने कि शेर कहीं और जगह पर ना चला जाए एंड द चीपर काइंड ऑफ गॉड्स और क्या प्रबंध किया चीपर काइंड्स ऑफ गॉट वर लेफ्ट अबाउट विद एलैबोरेट केयरलेसनेस अब आप देखिए ऑक्सीमोरॉन है ना टू कीप हिम सेटिस्फाइड विद हिज प्रेजेंट क्वार्टर्स कि वो अपने वर्तमान जो हैं एरिया में ही रहे इसके लिए उन्होंने विलेजर ने चीपर काइंड्स ऑफ गॉट्स की व्यवस्था की कि भैया इन्हीं को ही मारो इन्हीं को खाओ कहीं मत जाओ और क्या किया द वन ग्रेट एंग्जाइटी अब एक उन्हें चिंता थी एंग्जाइटी थी विलेजर्स में क्योंकि द टाइगर वॉज ओल्ड इनफर्म वॉज लेस्ट ही शुड डाई ऑफ ओल्ड एज बिफोर द डेट अपॉइंटेड फॉर द मेम साहिब शूट तो यहाँ आप देख सकते हैं मेम साहिब यानी कि ये लगभग 20th century की टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो था इंडिया का उससे पहले की ये कहानी है व्हेन इंग्लिश वर हियर देयर वाइव्स जो हैं रिच लेडीज थी वो उन्हें है ना खाली समय में तो यही सब होता था एक दूसरे के प्रति जेलस तो अब उन्हें लगता था विलेजर्स को कि कहीं मेम साहिब की जो हमने अपॉइंटेड डेट है उसके लिए टाइगर हंट के लिए उससे पहले ये मर ना जाए मदर्स कैरिंग देयर बेबीज अब मदर ने क्या किया नंबर 3 पॉइंट देखिए है ना क्वेश्चन आता है ये कि मदर्स कैरिंग देयर बेबीज होम थ्रू द जंगल और जब माताएं अपने बच्चों को जंगल से घर की ओर जा रही होती थी आफ्टर द डेज वर्क इन द फील्ड्स हश्ड देयर सिंगिंग उन्होंने जो गीत गुनगुनाते हुए वो जाती थी गाना बंद कर दिया था लेस्ट दे माइट कर्टेल द रेस्टफुल स्लीप ऑफ द वेनरेबल हर्ड रोबर ये आप देख सकते हैं कि उन्होंने सिंगिंग इसलिए छोड़ दी थी कि कहीं उसकी नींद बाधित ना हो जाए कर्टेल द रेस्टफुल स्लीप ऑफ द वेनरेबल हर्ड रोबर अब आप देखिए वेनरेबल क्या होता है ग्रेट डील ऑफ रिस्पेक्ट इट्स एन एडजेक्टिव हर्ड रोबर क्या होता है ना ये है एक डिसरिस्पेक्टफुल क्वालिटी द
जो झुंड में जो शिकार करता है ना, झुंड में भेड़ों भेड़ों का गोट का जो शिकार करता है, उठा कर ले जाता है, हर्ड रोबर। तो आप ये देखिए, वेनरेबल हर्ड रोबर, ये ऑक्सीमरॉन है। इट इज़ कंबाइनिंग टू कंट्राडिक्टरी टर्म्स, वन इज एडजेक्टिव एंड दर इज नाउन हियर, दिस इज फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमरॉन। तो आप ये नोट करते चले, वेनरेबल हर्ड रोबर, ठीक है। द बेल हैज रंग, है ना, द पीरियड इज ओवर, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट क्लास टुमोरो, ठीक है। यू क्लिक हियर, दिस विल टेक यू टू माई नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ यू वॉन्ट टू सब्सक्राइब माई चैनल, यू क्लिक ऑन दिस बटन। थैंक यू।